हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइज, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से अगर आपके फेस पर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होगी। और साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग हो जाए, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसके पहले यूज से आपको आपकी स्किन में फर्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर हो गई है, कितनी ज्यादा शाइनी हो गई है। अगर आप इस रेमेडी को रेगुलर यूज करोगे तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज करना है। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बनाना किस तरीके से। ये विंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फेस पैक है। तो सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए क्लीन बोल लेना है। उसके बाद मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन आपकी स्किन से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम को, झाइयों की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। बेसन के बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करूँगी वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तो ज़्यादातर सबके घर में अवेलेबल होता ही है, तो आपको इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। और बेकिंग पाउडर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। अब मैं एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए 3 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करूँगी। आप उतना रोज़ वाटर ऐड करें ताकि आपका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। रोज़ वाटर आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा, स्किन की ड्राइनेस को दूर करके स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको उसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट ना तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपकी स्किन के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपको ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अब हमारा विंटर स्पेशल फेस पैक एकदम रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं कि इस पैक को हमें यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कोई भी क्रीम, कोई भी फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करें तो सबसे पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें ताकि आपके फेस से डस्ट डर्ट जो भी है वो रिमूव हो जाए। अब मैंने यहाँ पर इस पैक को एक अच्छे से कंटेनर में डाल लिया है। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इस पैक को आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, हैंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, नेक पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में डार्कनेस है आप इस पैक को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फेस पैक को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। मसाज करने से आपकी डेड स्किन निकलेगी, डेड स्किन निकलेगी तो आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा। और वैसे भी विंटर का मौसम चल रहा है तो विंटर के मौसम में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बहुत लोगों की स्किन पर ग्लो नहीं रहता, स्किन का निखार चला जाता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा डल फील करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों के मौसम में भी आपकी स्किन ग्लोइंग लगे, शाइनी लगे, आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो हो, तो इस पैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी दूर करेगा। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है और कितनी ज़्यादा शाइनी नज़र आ रही है। तो अगर आपको इस पैक के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में 3 बार ज़रूर यूज़ करें। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग, दाग धब्बे, झाइयाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।